Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study about Herbert Spencer and functionalism. So, let's begin with Herbert Spencer. So, Herbert Spencer is a British sociologist. He basically took a basis from Darwin's evolution theory. ठीक है? So, Herbert Spencer, he did organic analogy. He did organic analogy and argued that the way human organic system composed of different parts functionally interdependent is like society is also functionally interrelated. तो अभी मैंने बताया था कि Herbert Spencer जो है इन्होंने डार्विन की थ्योरी को बेसिस माना था. तो डार्विन की थ्योरी क्या है कि डार्विन ने जो है मेंढक को डाइसेक्ट करा था और उन्होंने ग्लोबली ये थ्योरी दी थी कि इसके जो पार्ट्स है वो इंटर कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है. जैसे किडनी है, किडनी डिपेंड होगी किसी पे, हार्ट का डिपेंडेंस किसी और चीज़ पे, वैसे ही अपनी जो सोसाइटी है वो डिफरेंट पार्ट्स से, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से बनी है और जो कि एक इवॉल्व होती है और फंक्शनली इंटर रिलेटेड है. क्योंकि इसका जो थ्योरी है वो ये बेसिकली फंक्शनलिज्म है. ठीक है, ये फंक्शनली ये हर चीज को पॉजिटिव वे में बताएंगे और ये फंक्शनलिज्म बताएंगे. जैसे कि अपन कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी में दो कास्ट बोल सकते हैं या फिर दो ग्रुप बोल सकते हैं, जैसे कि जजमानी और कामिल कास्ट. तो जजमानी जो होते हैं वो लैंड होल्डर्स होते हैं और कामिल जो होते हैं वो होते हैं वर्किंग क्लास. तो वर्किंग क्लास जो होती है, कामिल क्लास, वो डिपेंडेंट होती है जजमानी पे अपने फूड के लिए, अपने फूड ग्रेन्स के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए. ठीक है, सेकंड जो होता है, सोसाइटी इज हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम बारबरियन सोसाइटी ऑफ एंशियन सोसाइटी टू सिविलाइज्ड स्टेज. इवोल्यूशन इन्वॉल्व्ड स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन. जो सोसाइटी है ये इवॉल्व्ड हुई है सिंपल से कॉम्प्लेक्स. ठीक है, फ्रॉम बारबरियन सोसाइटी. बारबरियन सोसाइटी मतलब कि एंशियंट सोसाइटी, लाइक वी कैन से दैट होमोसेफियन ओनली, एंड इट राइट नाउ वी आर होमोसेफियन. ठीक है, सो सिविलाइज्ड है, वी आर द सिविलाइज्ड पर्सन, एंड इन एंशियंट टाइम दे आर नॉट सिविलाइज्ड. ओके, सो देयर इज अ नेचुरल ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन और differentiation and changes and transformation in society. As the generation passed, the most capable and intelligent or fittest member of society survive while the least capable die out. This is how society improved, developed. So, जो कि डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन का थ्योरी भी यही था. डार्विन की थ्योरी थी वो एक थी मेंढक पे, एक थी फ्रॉग पे और एक थी पी पे, पी सीड्स पे. तो उन्होंने बताया था कि पी सीड्स जो होते हैं वो अगर कैपेबल है तो सर्वाइव कर जाएंगे. उन्हीं का थ्योरी था कि सर्वाइविंग ऑफ द फिटेस्ट. तो इन्होंने उसी को बेस माना था और इन्होंने कहा था कि जो मोस्ट कैपेबल है और इंटेलिजेंट है मेंबर है सोसाइटी का वो सर्वाइव कर लेगा, जबकि जो लीस्ट कैपेबल है वो इस सोसाइटी के लायक नहीं है, उस सोसाइटी में रह नहीं पाएगा. ठीक है, द फिटेस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू स्पेंसर हैज प्रोड्यूस्ड द एडवांस सोसाइटी. जो फिटेस्ट मेंबर है वो प्रोड्यूस्ड करता है एडवांस सोसाइटी. ठीक है, और फिटेस्ट मतलब कैपिटलिस्ट. ठीक है, सो कार्ल मार्क्स और इमाइल दर्किम और मार्क्स वेबर, इसे अपन अगले थिंकर्स की यूनिट में डिस्कस करेंगे. सो इसी के साथ अपना सेकेंड यूनिट जो है वो ख़त्म होता है. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.